In بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد سلسله تفسير كي هي نشس نمبر 113 هي سوره الحج के اعتبار से और इस नशिस्त में इंशाल्लाह सूरह अल हज की 30वीं आयत करीमा की तफसीर होगी और 30वीं आयत करीमा से मुताल्लिक मैंने पिछली कुछ नशस्तों में काफ़ी बातें कही हैं और उसका बिल्कुल आखिरी हिस्सा होगा हमारी मालूम के अतबार से अल्ला रब्लम ने रिशातरमायाबीमाय इस वजबर करीमा के एसआत करीमा में जो मुतद बातें कही गई हैं एक, एक एक बात करके एक एक किताह लेकर के हमने तफसली गुफ्तु की है आज ये बताना है इस आयत करीमा की तफसीर में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी जब शर्क का जिक्र फरमाया तो शर्क के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी कौल जूर झूठी गवाही और झूठी गुफ्तु किज्ब की शनात से मुतलक भी बात बयान फरमाई गोया कि शिरक़ और किज्ब को एक साथ अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया इसमें मतलब क्या बात है क्या हकमत है वो मुझे आपके सामने रखना है एक एक बात बता देता हूँ इस बात को बताने से पहले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अख्ताम में बयान फरमाया फ़ तनबसा मिनलसानी वज तनबौल ज़ुर यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी तनब रहने का हुक्म दिया इजतनाब करने का हुक्म दिया उर्दू दान तबका उर्दू ज़ुबान जानने वाले अच्छी तरह इस बात से वाकिफ़ हैं कि जैसे कहते भाई इससे इजतनाब करना चाहिए इससे बचना चाहिए जजतनाब का जो लफ्ज़ है अपने अंदर बहुत मानवीय रखता है चूँकि उर्दू ज़ुबान में हम इतनी ही बात करते है कि हैं कि भाई इससे इजतनाव करें इससे बचे रहें लेकिन अरबी ज़ुबान में इजतनाब का लफ्ज़ अपने अंदर बहुत क़वत रखता है एक आलिम दिन है दतर वाहबा बिन मुस्तफ़ा जुहैली उनकी जो मुताद किताबें हैं फ़िक काफ़ी काम किया उन्होंने उनकी जो तफसीर की तफसीर पर जो किताब है तफसीर पर भी उन्होंने एक से किताबें हैं उनकी तफसरमनिर फिलहद वाल वो मनहज तफसरमनिर तफसरमनिर में आपने इस बात को बयान किया जी आप जी तफस तफसरमनिर उसमें अल्लाह सुबहान तला ने रिशात फरमाया तफसमीर में आपने कहा कि फजत नबिजा मिनसानी विबलोर अल्लाह कहा कि फ़जता नीबू तो कहा कि इजतनाब का जो यानी जो जो जो, जो, जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया जो फेल इस्तेमाल हुआ इज्तनाब का अल्ला रब्लम ने इन्हें हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बजाय इजतनाफ़ का जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए कहा कि इसमें एक मानवीय है हराम का जो लफ्ज़ है उससे भी ज़्यादा बलीग है उससे भी ज़्यादा जो है इसके अंदर बात में वजू है यानी यानी तबयन जिसे कहते हैं बयान जिसे कहते हैं पैगाम रसानी की अगर बात करते हैं तो इसमें जो क़वत है जो वसात है जो वजाहत है वह लफ्ज़ हराम से भी ज़्यादा है किस एतबार से कहा कि वह युफीद व तहरीम व ज़्यादा लफ्ज़ हराम में हरमत का जो माना आता है वो माना तो इसमें आ ही जाता है उससे एक जायद माना भी इसमें आता है कहा कि वह हुआ अबाहाद व तनफीर यानी सिर्फ आप जैसे एक कहते हैं ना कि जो एक चीज़ हमारे पास होती है बहुत ही उम्दा चीज़ जिसे हम कहते हैं कि यह है तो दिखने में बहुत उमदा लेकिन आपके लिए जायज़ नहीं आपके लिए हराम है वो हराम के अंदर बात आ जाती है इज्तनाब के अंदर गोया के एक तरह की नफ़रत दिलाई जा रही है गोया के एक तरह का यानी ये बताया जा रहा है कि आप इस चीज़ को लेंगे एक चीज़ होती है नहीं बहुत साफ सफाई के साथ रखी गई हो उमदा चीज़ रखी गई हो लेकिन ये कहा जाए कि भाई वो आपकी नहीं है आप नहीं ले सकते वो आपके लिए हराम है एक चीज़ है फी नफसी ही उसमें गलाजत है गंदगी है और वो अच्छी चीज़ है ही नहीं तैफुन है उसमें बदबो है उसमें किसी चीज़ की तो वो उसको बता करके बताया जाता है कि ये चीज़ लेंगे आप इससे तो आपको दूर ही रहना है आपको तो इसमें सिर्फ़ हराम की बात नहीं कही जा रही है एक तरह की नफ़रत दिलाई जा रही है बेजार की पैदा की जा रही है और उसकी शनात बयान की जा रही है इंसान कुछ समझ सकता है जो अल्लाह ने उसे हवा सता की हैं कि हाँ इससे तो बिल्कुल बच के रहना चाहिए वो लफ्ज़ इजतनाफ़ के अंदर जो है मतलब वो क़ुत आती है ये फ़ायदा आपने पहुँचाया है अब जो बात मैंने आपसे कही है तफसीर के शुरू में इस इस नशे के शुरू में कि रब्बुल आलमीन ने कहा फ़ज तनबिस मिनल औसान अल्लाह ताला ने तिरक से मना फरमाया उसके बाद झूठ से मना फ़रमाया वज अज़ूर फिर फरमाया आयत नंबर इक्कीस में अलिल्लाह गैर गशरक़ी भी तो गोया कि तौहीद की दावत देते हुए शिरक से रोकते हुए झूठ का जिक्र यहाँ पर क्यों कर बयान किया गया है इसमें क्या ऐसी मतलब यानी एक तरह का जो है मतलब यानी जोड़ है इसमें क्यों कर दोनों एक दूसरे से मिली हुई हैं शिरक और झूठ का आपस में जो रबत है वो बहुत अहम चीज़ है इस सिलसिले में शेख उबिनतमिया रहा आपकी जो किताब है इकतवा उसरातलमस्तकीम जो मेरे पास दो जल्दों वाला जो नुस्खा है डॉक्टर नासिर की तहकीक से उसमें आप देखो कि दूसरी जल्द में वो जो मबाक है ना जिसमें यानी अम्बिया आलम के खबूर या जो है मतलब अलिया के कबूर या उनके जो है मतलब कुछ खास जगहें वगैरह जिसके लोग लो खास कर देते हैं जीारत वगैरह को उस सिलसिले में गुफ्तू करते हुए शेख उमिन रह ने एक बात ये बयान फरमाई कहा कि अल्लाह सुबहान वाली यह करीन बैन शर के कमा यह करीनों बे नल बिन सदक़ी इखलास, अल्लाह रब्लमी ने इखलास और सिद् को एक साथ बयान फरमाए इसलिए कि सद जो है इंसान के अंदर इखलास पैदा करती है और वो तो पर कायम रहने वाली चीज़ है और किस और कुछ शर्क से अल्लाह रब्लमी ने जोड़ के रखा इसलिए कि एक इंसान जो शिरक पर कायम रहता है या शिरकया अमूर अनजाम देता है वो कभी भी अल्लाह सुबहान तला की तरफ से कोई सी ठोस दलील की बुनियाद पर नहीं करता है कुरान के आयत करीमा पढ़कर या हदीसी मुबारक पढ़ नहीं

वहाँ बुनियादी बात अल्लाह ने यही बात कही है कि इसकी असास झूठ पर है झूठ पर क़ायम ही ये चीज़ मसला आप देखो सरतुलमादा के अख्ताम ने क्या कहा <गया> माँ ولا साइबतिन ولا साबिन ولا वसी ولا हाम इस आयत करीमा में बहिरा हाम वसीला क्या है मैंने पिछली नसीहतों में जिक्र कर दिया है लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों का अपनी तरफ से जानवरों के तल्लुक़ से ये मतदादात जो उनके कायम हुए हैं कि ये बहिरा है ये हाम है और ये जो है वसीला है कहा कि माँ जार बहिरा वाल साबा वला, वला वसीलिन वला हाम वालफ़तरुनकीब ये चीज़ें जो जानवरों से मुतक़ उनका जो एतक़ाद जो रहा है जो वो एक तरह के तकदस का जो उन्होंने जामा पहनाया है उसको या किसी ठोस दलील के बुनियाद पर नहीं वला किन नदीफरू नालकदीब الله رب العالمين پر افترا کے ذریعے سے کر کے ہی اس صدق پر کبھی قائم شر جس طرح سے اخلاص اور صدق کا تعلق ہے تعلق رب الانعام میں بیان آواخر آواخر وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرم الظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراءنا عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون वो क्या करते थे कि जो है कुछ जानवरों को खेती का कुछ हिस्से को कहते थे कि ये ये वो महुदों के नाम पर है जिसे कोई खा नहीं सकता है, इस पर कोई सवारी नहीं कर सकता है और इसके वो जानवर हैं उसके पेट में जो है वो जो है हमारे माबदान बातिल के लिए हमारे माबूदान के लिए जिससे वो हक़ समझते हैं ये उनके लिए है और फिर कुछ इस तरह की चीज़ें गैर अल्लाह के नाम पर ज़ुबा करते हैं ये सारी चीज़ें किस बुनियाद पर हैं अल्लाह ने कहा कि इफ़रा ना आलई ये सब अल्लाह रब्बालमी पर झूठ बांध कर ही ये सब चीज़ें कायम हो सकती हैं अब उसके बाद देखो समान अजवा चंद आयतों के बाद मिन वनस्सनैन व मिनसन अल्लाह रब्लम ने जो आठ तरह के जानवरों का जिक्र फ़रमाया है लेकिन उनको गैरुल्ला के नाम पर जब ज़ुबह किया जाता है या उनके नाम पर छोड़ दिया जाता है या उनके तालु, उनके तालुक़ तालु से एक तकद्दस जो लोगों में आ, मतलब बिठाया जाता है तो अल्ला रब्लमी ने उस आयत करीमा के अख्ताब में क्या कहामन तो अवलमन करीबन सबिर इन यानी इससे बड़ा ालिम कौन हो सकता है इस कबील में यानी जब बात आती है किसी पर तहमत लगाने की झूठ बांधने की किसी के नाम लेके करने की तो इस बाप ने इससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह का नाम लेके बात कह दे और अल्लाह रब्लमी ने वो बात ना कही हो तो देख रहे हैं आप इसका किस और शिर का ताल्लुक कितना गहरा है मतलब शिरक यानी झूठ पर ही कायम हो सकती है ये चीज़ सिद इसमें कभी भी इसका दखल इस, नहीं हो सकता सिद का दखल नहीं हो सकता है आप देखो मसलन वो जो आयत करीमा है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरतुल आराफ की मूसा सलाम का वाक़ क़रना मजदूर में कई जगह पर है आराफ में बिलखसूस आप देखो जो नवा पारा है उसमें मूसा आली सलाम को और फ़िरौन बनी इसराइल को अल्लाह ने फ़िरौन से नजात दी और ये जो है सही सालम पहुँचे इसके बावजूद भी बनी इसराइल ने यानी एक बशरे को अपना महबूत बना लिए अल्लाह रबालमी ने क्या फरमाया إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين كها الله تعالى وكذلك نجزي الظالمين نے وكذلك ن... وكذلك نجزي المفترين يعني جن لوگوں نے کو معبود بنا ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب والله رب العالمين کا غصہ ضرور و رب العالمين کا وذلة في الحياة الدنيا جس طرح سے اللہ نے توحید میں عزت رکھی ہے میں نے वजीलतफिलायात दुनिया ये बर्ताऊ ये मामला अल्लाह का उनके साथ हुआ क्यों और फिर इस इन जैसे लोगों के साथ होता रहेगा अल्लाह का मामला क्या है वह कदारे का नज झल मुफ्तरीन यानी इफ्तरा करने वालों के साथ अल्लाह का ऐसा ही मामला होगा तो उनका जो एज्ल को महबूद बनाना बछड़े को महबूद बनाना दरअसल किस पर कायम है इफ़रा अल्लाह पर कायम है झूठ पर कायम है यही बात अल्लाह ने कही फा जनबू रिज व जत नबूल शिरकियाँ जो अमूर होती हैं अफ़ाल हों अकवाल हों अल्लाह ने इस बात को बहुत ही मतलब इस एतबार से अल्लाह ने बताए हैं कि ये तो बिल्कुल मतलब इसके झूठ होने में मतलब शुबा ही नहीं है आप देखो सतुलसरा के आगाज़ में अल्लाह ने क्या फ़रमाया अफाक़ मब्बुम बिल्बन व तमलामा यानी तुम रब्बुलमीन के लिए बनिन आ, अपने लिए बनीन का इंतब कर लेते हो बच लड़कों को जकर को झुकूर को पसंद करते हो और अल्लाह व तआला के तालों से ये एतकाद घड़ लिया है कि अल्लाह ने जो है मतलब मलाइका को अपनी बेटियाँ बना ली हैं कि इन न कुमलता कुलु न देखो इन देख रहे हैं आप और फिर जो है लाम लाम ताक़ के लिए देख रहे हैं आप इन नमलु नक अवीमन ये जो मतलब जो है जुमला है ना ये जो अरबी दान होगा जिसकी मादरी जुबान अरबी ज़ुबान होगी वो वो यूँ समझेगा उसकी गहराई को उर्दू दान तबका उर्दू ज़ुबान या अंग्रेज़ी कोई भी हो उस गहराई को नहीं समझ पाती जो इसमें जो जो मुक्त जुमला है ये इन नकमलतुल नकन अवीमा यानी गोया की शिरक जो है झूठ पर ही क़ायम हो सकती है ये चीज़ कि इसकी असास कभी भी ठोस नहीं है मतलब सिद्ध पर इसकी अहसास नहीं है अल्लाह ताला ने जैसे कहा सो तो तौबा तो 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 में वकालत यहूद वकालतिन नसारसी अबन रखा कौल भी अफवाहिम अल्लाह ने सुबह अल्लाह कितना कितनी मतलब इसकी 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 हैसियत ही गिरा दी कहा कि ये सिर्फ लोगों के अख़ाले हैं उसने कहा तो उसने कह दिया उसने कह दिया तो उसने कह दिया रा ले का कौ लम बफवा कफ़रुमिन कबल कुफ़ार ने बस इन सुना तो वहाँ पहुँचा दिया उन्होंने आगे नकल कर दी बस किसी ने मतलब तहकीक़ नहीं की किसी ने पूछा तक नहीं की किससे सुना अपनी मतलब इसका एक एक नबी को अल्लाह का बेटा अल्लाह का बेटा करार दिया जा रहा है जो कि अल्लाह सुबहान तौहि बयान करने में उनका सबसे ज़्यादा हिस्सा रहता है और सबसे ज़्यादा जो है मतलब वो बेहतरी के साथ इस मामले को अंजाम देती हैं और उन्हीं के साथ शीर जोड़ के रखा है इन्होंने कहा कि इन नी वाह न फ़रोमिन कबल और देखो अल्लाह ने क्या फ़रमाया का फ़कून कहा अल्लाह ताली ने इस कबील के आयत बहुत हैं रब्बुल आलमीन ने सूरह सतुलफ़रक़ान के आगाज़ में कहा कफरू इन हाजा वक़ालन क़रु इन्हाफ़्न व अलैहि न आख़रून कहा कि ये जो कलाम है ना कुरान ये दरअसल मोहम्मद ने गढ़ लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन मोहम्मद ने अल्लाह पर झूठ बांधा है और कुछ लोगों ने कुछ एक आध लोगों ने आपका ताउन कर दिया है इस बाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया कि जो है यानी वक़ाल हाज़ा इल्ला इहादा अफ्कनफतरा व अलैहि क़ौमुन आख़रून फ़क्तजा मन वजूरा जो अल्लाह के रसूल पर यह तहमत तो लगा रहे कि अल्लाह के अल्लाह के अल्लाह पर इफ्तरा कर रहे कहा कि फकत जुम्मन वजूर ये तो बिल्कुल मतलब ता तो से हो हो रहा है झूठी बात तो आप कह रहे हैं देख रहे हैं आप अल्लाह सुबहान तला ने इस किस उसलू में इस बात को बयान फरमाएं इस कबील की कुरान में बसरत आयात है मैं आखिर में एक और आयात पेश करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इस नशत को اب دیکھو سورة الاعراف میں ایک آیت کریمہ ہے اللہ تعالی نے قل انما حرم ربي الفواحش قل انما حرم قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا اس بعد وان تقولوا على الله ما لا تعلم اس میں چار باتیں اللہ نے بيان हाफिज़ हाफिजनक़ीम राम ने यानी शरीय या की अहमियत और फिर जो है शरियोत है और फिर अल्लाह रब्लम की तरफ़ से आप जब शरीयत की नुमाइंदगी करते हैं तो इल की रोशनी में बात होनी चाहिए बसिरत पर गुफ्तगु होनी चाहिए बगैर इम की गुफ्तु करना किस कदर इसमें खतूरत है उसको बयान करते हुए एक एक फ़सल कायम की अलमहरमत अला अरब अलमरातब कहा कि महरमात के चार मरातब हैं चार मरातब हैं उसके महरमात के हराम अमूर के चार कहा कि अशद दो्ला बगैर उसमें सबसे सख्त ये है कि बगैर के अला के त से मुल गफ्तु करना अल्लाह के दीन से मुतल गफ्तु करना इब्बीम रह कहते हैं कि ये जो आयत करीमा हैुलम हर्रम रब रबवाहिश सबसे पहले अलफवाहिश को जिक्र किया कहा के कि फबद अब असहलिहा फबद अब असहली वही अल्फवाहिश ये चार में से जो सबसे हल्का फुल्का मामला है फी नफसी अल्फवाहश हल्की फुल्की चीज नहीं है लेकिन इन चार में से जो सबसे हल्की फुल्की चीज है अल्लाह ने वहां से आगाज किया और वो है अफवाहिश मशद मिन अल्लाह रबुल ने बाद फरमाया वल इसम वल बघ बिलहक फिर अल्फवाहश के बाद जो उससे भी बड़ी जो हराम चीज़ है उसको अल्लाह ताला ने दूसरे नंबर पर रखा सन्ना दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बयान फरमाया और वो क्या है ओल इस मज़ुलब ये ये चीज़ें हैं उसको अल्लाह ताला ने ज़िक्र फ़रमाया कहा कि सल माह हुआ अशद व तहरीम मिन हम व बिल्ला सुभान व तआला तीसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दो चीज़ों से बड़ी जो चीज़ है उसको बयान फरमाया और वो है अशरक बिल्ला ثم ربع بما हुआ اشد تحريما من ذلك كله फिर अल्लाह रब्लमी ने चौथे नंबर पर उस बात को जिक्र फ़रमाए जो इन तीनों गुना इन तीन गुनाहों से भी बड़ा गुना है इन तीन मुहरमा से भी बड़ा मुहर्रम है वो क्या है वहुल्ला ब़ैर आलम वह वल़ोल बिल्ला रब्मी से मुतक ब़ैर की गुफ्तगु करना कहा कि वहाद उम्मू यानी ये सभी चीज़ों को शामिल है कि वहादल क़ौल बिला फ़ी अस्माई ही व फ़ी सफ़ात वफ़ात ही वफ़ाल ही वफ़ी दी ही व शराय ही अल्ला रबालमीन के अस्मा वफ़ात से मुतल गुफ्तु करते हूँ उसके अफ़आल से मुतिक दीन के किसी भी जस्से मुतल गुफ्तगू करें बग़ेल की यह शिरक से भी बड़ा गुना है सुहान इसलिए कि इसी बुनियाद पर आदमी शिर करता है कुछ भी पूछो वो वो कोई ना कोई दलील देगा कोई ना कोई बात करेगा ये सब का सब ज़ोर है ये कौल झूर कहा कि फ़जता नबो रिज समसान वजता क़ौल जो अल्लाह रबूम इसीलिए इन दोनों को एक साथ बयान किया है तो ये बड़ी अहम बात है इस सिलसिले में एक हदीस आती है आ, जिसकी से मुत तफी गुप्ता को मैं आने वाली नशत में करूँगा अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह सुबहान हमारी इस नशस्त को हमारे इस हमारे वालदे हमारे कुल माविन मुशाहिदीन हमारे अहिल खाना हमारे अहलिया के लिए हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए ज़ख़रा आकरत कर दे हमारे हसनत में शुमार फरमाए और हमारे महाविन खास शेख शुयबिन यूनुस मोहम्मद उसाद जामिया मोहम्मदिया बंगलोर अल्लाह आलमीन इनको अजर आजीम से नवाजे इलम नाफ़ि अतः फ़रम अल्लाह आलमीन इनको बेनियाज़ी अता फरमाएम अभी जो है तक़रीबन बारह घंटे हो रहे हैं रात के आ, हमारी इस तलब पर आप आए और आकर के तफसर की रिकॉर्डिंग की अल्लाह सुबहान वाली इसको कबूल फरमाएँ सुबहानल्लाबहदिख अशद अस्तफ़िर गौत भी लैक व सुबह जो हमारे फ़र्जन हूद को भी अजर आज़म से नवाजे इल्म नाफ़े अता करे अल्लाह ताल अपने बंदों में से बनाए हर हर लम्हा हर बाब में इनकी वालदा की तरह मेरा साथ देते हैं जजाल्लु खेरन